हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम वाटर साइन की रीडिंग करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि अक्टूबर मंथ वाटर साइन के लिए कैसा रहेगा, जिसमें पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो होते हैं, मेन कर्क और वृश्चिक राशि आती हैं, उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं, उनका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपका जो है अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। और जो नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, इसमें हम चार्म्स रीडिंग भी देखेंगे, इसमें डायस रीडिंग भी देखेंगे, रोमांस एंजल्सी भी देखेंगे, आपके पर्सन की जो है लव मैसेज भी देखेंगे, और इसमें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। तो बहुत ही डिटेल चेक करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जिनकी भी राशि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, उनकी जो है लाइफ में क्या आगे होने वाला है। उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, ठीक है। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपकी इस रीडिंग में। थर्ड पार्टी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि रिवर्स में आया है। ठीक, तो अब थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ से और आपकी लाइफ से जाने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। पहला ही कार्ड है रिवर्स में आया है, अभी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाली है आपकी लाइफ में, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि पहले जो है किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई उनके फादर हो सकते हैं या आपके ससुर हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, भैया, भाभी, सिस्टर, कोई भी हो सकती हैं, ननद वगैरह। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका रोल जो है आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ में बुरा किया था पास्ट में। ठीक है, रिसेंट पास्ट में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी वो रिवर्स में आए हैं, तो वो आपकी लाइफ में अभी कुछ दखलंदाजी नहीं करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है मौन होकर गए थे, अभी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई नया जॉब का ऑफर भी आ सकता है, कोई अपना जो है खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। और आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मौन होकर गए थे ना, वो अभी आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड क्या दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक स्टेप आगे ले चुके हैं। इस जो है देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग गिरे पड़े हैं और ये घोड़ा जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची है, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी वो निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने फर्स्ट स्टेप आगे ले लिया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं हैं, कभी दिखाते नहीं है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता हूँ। आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनली आपसे अटैच्ड होना चाहते हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइज कि वो आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो अभी बहुत पेन में भी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ केसेस से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं मौन होकर चला गया तो उनकी लाइफ में कोई नया बंदा एंट्री मार गया, उनको ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा एहसास हो रहा है, इसलिए वो बहुत पेन में है। ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है कि मैं जब से मौन होकर गया हूँ तब से मेरी पीठ के पीछे मेरे पार्टनर जो है किसी और के साथ मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि उनसे प्यार हो गया उनको। ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ गया, ऐसा वो सोचते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही पेन में जा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी से नहीं गया तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपना जो है वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं,
जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की बात हो रही है मेरे व्यूवर्स की, कि वो आपने वर्क पर जो है आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी विशेष जो है अपने पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, आपकी विश कम ट्रू तो आपके पार्टनर ही हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी आपको चाहने लगे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपसे ही अपना संसार भी देखते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर जो है कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर कोई जो है रेकी हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जो भी हैं आप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को गाइडेंस देते हैं और लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनके पास में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली उनके साथ में लड़ाई झगड़ा इसलिए करती थी कि आपका कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है, या आपकी एज गैप हो सकती है, या फिर फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से भी आपकी लाइफ में इशू रहे हों। लेकिन अभी जो फैमिली रिवर्स में आई है, तो इट मीन्स थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलने वाली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई नया प्यार भी आ रहा है, और अगर आपकी तरफ नया प्यार भी आ रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ है, लेकिन आपके पर्सन भी लौट करके वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं चार्म्स रीडिंग। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, वो बहुत ही उदास है, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और वो आपको एक स्टार से कम नहीं देखते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस की। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दिल की धड़कनें बंद हो गई हो, उसकी चाबी आप ही के पास में हो, उनको ऐसा लगता है। यहाँ पर वो आपके साथ में सातों रंग देखते हैं ज़िंदगी के, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस की उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस चाहते हैं आपके पर्सन, और आपको जो है जस्टिस जरूर मिलेगा। आपकी तरफ ही उनका निशान है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। आप भी बहुत उदास हैं, आपके पर्सन भी बहुत उदास हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये बिजली हमारे ऊपर ही क्यों गिरती है, ये सब दुख हमें ही क्यों मिलते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं चार्म्स रीडिंग। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से चाबी आई है, हो सकता है कि आपकी दोनों की दिल की धड़कनें बंद हो रही हो एक दूसरे के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रही हो एक दूसरे से मिलने के लिए, तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही हमारा दिल हमारे पास है, लेकिन वो चलता ही नहीं है, धड़कन ही नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन जो है आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में हो सकते हैं, वो जहाँ पर फंसे हुए वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है, तो आवाज़ मेरा चेंज हो रही है कल से, ठीक है। यहाँ पर गाइस मैं बताना चाहूँगी कि वो आपको सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, मतलब आपकी फ़ोटोज़ को वो सीने से लगा कर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपना लवर देखते हैं, आप दोनों जो है एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, लेकिन फैमिली की वजह से आप लोगों में दूरियाँ आई हैं। चलिए अभी हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोज़ ये अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसी वीडियो मैं हर दूसरे तीसरे दिन डाल दिया करूँगी, ठीक है, टाइम निकाल करके। और इसमें हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें मैं दो तीन क्वेश्चन जरूर लूंगी इसमें, ठीक है। देखिए बी असर्टिव, आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में जरूर खुशी आएंगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी हुआ था वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ था आपकी लाइफ में। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। और आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको ऐसा लगता है कि वो कभी हो ही नहीं सकता है वो होगा आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करिए, ठीक है। और आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपके आसपास के लोग रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या आपके माइंड की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज। देखिए आई मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यू आर क्यूट, आपको बहुत ज़्यादा क्यूट देखते हैं, गिर गए थे गाइस, ठीक है। विल यू टेक मी बैक इफ़ आई कम, वो कह रहे हैं कि क्या मुझे आप अपनी लाइफ में वापस ले सकते हैं। आई नो वी आर सोलमेट, सपोर्ट, वो अभी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं।
डिवाइन टाइमिंग, अभी तक वो डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे थे। जन्म जन्म का रिश्ता है, हमारा जन्म जन्म का रिश्ता ऐसा कह रहे हैं। पास्ट लव, आप उनका पास्ट लव हैं। आई लुक एट योर पिक्चर, वो आपकी पिक्चर को देखते होंगे। यहाँ पर मैंने बताया था, करेक्ट देखिए यहाँ पर, कि वो आपकी फ़ोटो को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और आई लव यू कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अभी हम देखेंगे आपके 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके 1-2 क्वेश्चन मैं लूंगी, तो 2 क्वेश्चन मैं इसमें लेने वाली हूँ, ठीक है। तो सिमरन कौर और कुलविंदर सिंह की बात कब होगी? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। करेक्ट, देखिए गाइस यहाँ पर 10 डेज की मुझे दिखाई दे रही है कि 10 डेज में आपकी बात हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोहित और शालिनी की शादी कब होगी? रोहित और शालिनी की शादी कब होगी? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। रोहित और शालिनी की शादी कब होगी? रोहित और शालिनी की शादी कब होगी? देखिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही थी, वो फैमिली मान जाएगी तभी आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अगर 5 डेज में मान सकती है तो 5 डेज में, 5 मंथ में मानेगी तो 5 मंथ में। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही थी, और जिस दिन वो फैमिली मान जाएगी उसी दिन आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। बाय बाय।